नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से 5 अध्यापकों को बर्खास्त करने के फैसले के खिलाफ सांझा अध्यापक मोर्चा की तरफ से गुरदासपुर में रोस मार्च निकालते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। इस मौके पर सांझा अध्यापक मोर्चे के द्वारा किए गए रोस मार्च में शामिल हुए प्रदर्शनकारी अध्यापकों का कहना था कि सरकार ने पटियाला धरने को उठवाने के मौके के समय वादे किए थे कि आपकी सभी जायज मांगे मान ली जाएंगी और सस्पेंड किए गए अध्यापकों को बहाल कर दिया जाएगा और प्रदर्शन के दौरान जो कानूनी कार्रवाई अध्यापकों के ऊपर की गई है वह भी वापस ले ली जाएगी। लेकिन उसके उल्टा सरकार ने आज हमारे 5 साथी अध्यापकों को नौकरी से बर्खास्त कर सरकार ने अपना असली चेहरा सामने रख दिया है। उनका कहना था कि सरकार इस तरह अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे प्रदर्शनकारियों अध्यापकों को दबा नहीं पाएगी और हम अपने इस संघर्ष को तेज करते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ अपने प्रदर्शन का झंडा और ज़्यादा बुलंद करेंगे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए गुरदासपुर से विक्की मलिक की खास रिपोर्ट। प्रोग्राम जड़ा सिक्ख्या मंत्री दी वादा खिलाफी दे खिलाफ पक्के मोर्चे दे विच 1 दिसंबर नूं धरनाकारी अध्यापकां नूं घर भेजण तों बाद इस वादे नाल कि अध्यापकां दीआं सारीआं मंगां दा हल कर दित्ता जाएगा, मन लिया जाएगा, SSA रंगसा अध्यापकां दी तनखाह कटौती दा फैसला रिव्यू करके मुड़ विचारिया जाएगा, टर्मीनेशनां विक्टिमाइजेशनां रद्द कीतीआं जाणगीआं। लोहड़ी दे मौके ते बयान दिंदे ने कि सारीआं विक्टिमाइजेशनां टर्मीनेशनां रद्द कीतीआं जा रहीआं ने, अध्यापकां दीआं जायज़ मंगां मन्नीआं जा रहीआं ने, ते दूजे पासे अज इक नादरशाही फरमान जारी करदे ने जिहदे तहत संघर्षी अध्यापक आगूआं नूं मुअत्तल ते सस्पेंशन तों मुअत्तल तों बाद अज टर्मीनेट कीता जांदा है। असीं सरकार दे इस नादरशाही फैसले दी निखेधी वी करदे आं ते SSA रमसा अध्यापक 8,886 अध्यापकों की तनखाह कटौती के फैसले का जो रिव्यू करने की गल की गई उसके विरोध च लड़ते हाँ तो नाल दी नाल ये गल करते हाँ कि SSA रमसा अध्यापक का हर एक वो अध्यापक जिन्हें हाले तक क्लिक नहीं किया उन्हें सब नूं टर्मीनेट करता जाए ता जो सरकार जड़ी है होर इस तू अगे जो कोई गोली चलानी चाहती है और चलाए ये अध्यापक तनखाह कटौती के विरोध के लड़नगे और अंतम साल तक लड़ते रहेंगे। इस रोस वजो सिक्ख्या मंत्री पंजाब के पुतले जड़े है सांझा अध्यापक मोर्चा की कॉल से सारे जिला हैडक्वाटर के साड़े गए। आने वाले दिनों संघर्ष होर बदमे के तिखे रूप के होर तेज किया जाएगा। इस करके इतों मांग करते हैं कि पंजाब सरकार अध्यापकों के जायज मसले जल्द तो जल्द हल करे। पंजाब दे विच लंबे समय तो अध्यापकों का अंदोलन चलता क्योंकि एक पासे जिथे 5178 के अध्यापकों पक्के नहीं किया जा रहा 3 साल बीत जाने के बावजूद, दूजा SSA रमसा आदर्श के मॉडल स्कूलों के अध्यापकों की तनखाह कटौती गई की गई 65% तक। इस दे खिलाफ पटियाले दे विच एक पक्का मोर्चा लग्या। उस मोर्चे दे विच आके 5वें दिन सिक्ख्या मंत्री 1 दिसंबर नूं ऐलान करता हैगा कि तनखाह कटौती का मामला 15 दिनों के मुख्यमंत्री की मीटिंग रिव्यू किया जाऊगा। दूजा ऐलान उन्होंने यह किया कि 5178 वाले जनवरी 2019 तो पूरी तनखाह दी जाऊगी। तीजा ऐलान किया वलंटियर की तनखाह च वाधा किया जाऊगा। चौथा ऐलान यह किया कि जिन्नियां बदलियां सस्पेंशन कीतिया ने सारियां रद्द कीतिया जाणगियां। पर सिक्ख्या मंत्री ने अपने एक भी ऐलान के उत्ते फुल नहीं चढ़ाए, वो अपने ऐलाना तो पलटिया ही नहीं, सगो 5 अध्यापक आगुआं नूं अज टर्मीनेट कर दिता गया है जिहड़े सस्पेंड कीते सी। इस करके पूरे पंजाब दे विच अज सांझे अध्यापक मोर्चे ते होर जथेबंदियां वल्लों सिक्ख्या मंत्री दे पुतले फूक के रोस प्रदर्शन कीते जा रहे।